फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। यहाँ इन प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम कौन से अलग अलग लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ एंटर्ड कैरेक्टर इज लोअर केस और अपर केस और अ डिजिट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारा पहला लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक है, हमें ये देखना है कि लोअर केस के लिए हमारे कैरेक्टर्स का रेंज है स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और अपर केस के लिए हमें चेक करना है कैपिटल ए टू जेड का रेंज, और डिजिट्स के लिए हमें ये चेक करना है कि हमारा रेंज होगा 0 से 9 तक। कैरेक्टर माने सिंगल कैरेक्टर ही होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में कैरेक्टर इनपुट के लिए हमने यूज किया है स्कैनर क्लास, जो होता है यूटिल पैकेज में। लेकिन स्कैनर क्लास में सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए कोई भी मेथड नहीं है, इसलिए हमने यूज किया है नेक्स्ट मेथड, जो मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग के लिए इनपुट करेगा, और उसके आगे हमने लिखा है कैर एट। ये मेथड उसका पहला कैरेक्टर, क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिखा है 0 यानी 0th कैरेक्टर को रीड करेगा। यहाँ पे हमें रेंज चेक करना है, यानी वो बिटवीन द कैरेक्टर्स होगा या बिटवीन द डिजिट होगा, तो हमें यूज करना होगा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जैसे कि हमें पता है कंपाउंड कंडीशन के लिए यूज होगा, इसलिए हमने स्मॉल ए से जेड के रेंज में उसे देखा है, दैट इज ch ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड ch लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। ये कंडीशन अगर ट्रू इवैल्यूएट करता है तो हमें डिस्प्ले करना है लोअर केस कैरेक्टर। इसी तरह अगर यह कंडीशन फॉल्स रिजल्ट देता है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, जहां हमने और एक इफ लिखा है जो है एल्स इफ। एल्स हमेशा फॉल्स के लिए होता है, और एल्स इफ माने फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो यहां हम कैपिटल के लिए चेक करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिखा है ch greater than equal to capital A and ch less than equal to capital Z। अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू इवैल्यूएट होता है तो डिस्प्ले करना है अपर केस कैरेक्टर, और अगर फॉल्स आता है तो आगे फिर नेक्स्ट else if कंडीशन पे जाएगा, जहां हम चेक करेंगे डिजिट्स के लिए, दैट इज रेंज क्या है अभी 0 to 9। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स रिजल्ट देता है तो लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल नहीं है और डिजिट भी नहीं है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स है। यहाँ हमें इस बात को नोट करना है कि हमने कैर टाइप को इंट में कन्वर्ट नहीं किया है। जावा कैर को यूनिकोड वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेक करेगा, कैर टाइप का एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना यहाँ जरूरी नहीं है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लॉजिक यूज करेंगे, जहां हम जावा के बिल्ट इन मेथड्स को यूज करेंगे, जैसे कि कैरेक्टर क्लास के मेथड। ये जो कैरेक्टर क्लास है ये java.lang पैकेज में है, और ये जावा का डिफॉल्ट पैकेज है, तो इसलिए हमने जो कोड लिखा है वो ये है। तो यहाँ हमें रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि java.lang.character क्लास में इज लोअर केस, इज अपर केस और इज डिजिट के फंक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, और जाहिर है
कि यह रिकमेंडेड है क्योंकि ये जावा के मेथड्स है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर एंटर्ड इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका पहला लॉजिक ये हो सकता है कि अगर जो नंबर एंटर किया है वो जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर जीरो से कम है तो वो निगेटिव होगा, और अगर जीरो है तो जीरो है, यानी न्यूट्रल नंबर है। इस लॉजिक के हिसाब से हमने ये प्रोग्राम लिखा है। यहाँ हमने स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया है जो इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा। फर्स्ट कंडीशन जो लिखा है वो है पॉजिटिव नंबर के लिए, तो कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ट्रू है तो दिखाएगा पॉजिटिव नंबर, और अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा जो है एल्सिफ। एल्सिफ ब्लॉक इमीडिएटली इफ के बाद आएगा। उसके अंदर हमने जो कंडीशन लिखा है वो है नंबर लेस देन जीरो, जो नेगेटिव नंबर के लिए है तो डिस्प्ले किया है नेगेटिव नंबर, और अभी लास्ट ऑप्शन वो यही है कि ये नंबर अगर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो जीरो है। तो लास्ट में हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक जिसमें हमने डिस्प्ले किया है कि नंबर जीरो है। अब इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट लॉजिक है वो है यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर। जावा में अगर हम कोई भी साइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर 31 के साथ यूज करते हैं तो वो किसी भी निगेटिव नंबर का रिजल्ट -1 देगा, और अगर निगेटिव नंबर नहीं है तो बाकी यानी पॉजिटिव या जीरो के लिए वो रिजल्ट जीरो देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर कंसिडर करते हैं -5 तो -5 राइट शिफ्ट 31 हमें वैल्यू देगा -1, लेकिन अगर हम 5 राइट शिफ्ट 31 या फिर 0 राइट शिफ्ट 31 लिखते हैं तो हमारा वैल्यू होगा 0। इसका मतलब है कि निगेटिव नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कंडीशन में कि ये निगेटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव और जीरो का रिजल्ट तो सेम आता है तो उसके लिए कैसे कहे। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला है 1+ ब्रैकेट में नंबर राइट शिफ्ट 31 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में -num राइट शिफ्ट 31 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर जैसे कि 5 के लिए अगर इसे यूज करते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा 1+ ब्रैकेट में 0 माइनस ब्रैकेट में -1, यानी कि आउटपुट होगा 2। इसी तरह इस फॉर्मूला में निगेटिव नंबर जैसे कि -5 के लिए रिजल्ट होगा 1+ ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 0, यानी के रिजल्ट होगा 0, और 0 नंबर के लिए रिजल्ट होगा 1+ ब्रैकेट में 0 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 0, यानी के रिजल्ट होगा 1। इस लॉजिक के लिए हमारा जावा कोड है। यहाँ स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज करके हमने इंटीजर के लिए इनपुट लिया है जो स्टोर किया है वेरिएबल नम में। अब इस वेरिएबल को हमारे फॉर्मूला में यूज करके हमने आउटपुट स्टोर किया है वेरिएबल n में। अगर n का रिजल्ट 2 आता है, मतलब अगर इफ कंडीशन में अगर n का रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट होता है तो एल्सिफ ब्लॉक में जाएगा। यहाँ हमने कंडीशन लिखा है n एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो ये होगा निगेटिव नंबर, और अगर ये नंबर पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं द नंबर इज 0।